बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, जो आज का हमारा लेक्चर था जिन स्टूडेंट्स का मिस हो गया है वो देख लें। आज जो हमने डिस्कस किया था वो किया था होमोजीनियस इक्वेशन या होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि एनी इक्वेशन और इक्वेशन सिस्टम, ठीक है, उसके बाद इज़ इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम। देखें बेटा, ये एक सिंपल सी बात है कि कोई भी हमारे पास इक्वेशंस गिवन हो, देखें जो एक इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है, उसे हम इक्वेशन कहेंगे, और एक से ज़्यादा गिवन होंगी तो हम उसे होमोजीनियस सिस्टम या होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम कहेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर होमोजीनियस है क्या। बेटा, ऐसी इक्वेशंस जिसके सामने इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो उन्हें हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। अब देखें, जितने भी इक्वेशंस आपको नज़र आ रही हैं इज़ इक्वल टू ज़ीरो है तो ये कहलाती हैं होमोजीनियस इक्वेशंस। बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, और जो एक से ज़्यादा हैं उन्हें हम कहेंगे होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम। ठीक है, अब ये भी हमारे पास, ये हमारे पास जो है ये होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम है, ये भी इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। इसी तरह ये हमारे पास नीचे आ जाए यहाँ पर, ये भी हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम है क्योंकि ये इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, ऐसी इक्वेशंस या ऐसी होमोजीनियस सिस्टम जिसमें इज़ इक्वल टू ज़ीरो आए मस्ट बी, वो कहलाती हैं बेटा होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम। ठीक है, चलें जी, उसके बाद आते हैं हम अपनी नॉन होमोजीनियस पे। अब नॉन होमोजीनियस उसका उल्टा है बेटा, ठीक है, लिखा हुआ है कि एनी इक्वेशन और इक्वेशंस ऑफ सिस्टम इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम। ठीक है, ऐसी इक्वेशंस या ऐसी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम जिसके सामने इज़ इक्वल टू ज़ीरो ना आए, ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर आ सकता है, ये देखें नेगेटिव माइनस वन आ गया, पॉजिटिव टू, कोई भी नंबर आए, नॉन ज़ीरो, ज़ीरो ना हो, ठीक है, एक इक्वेशन होगी तो वो कहलाएगी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, अगर एक से ज़्यादा होगी तो वो कहलाएगी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम। और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन या नॉन होमोजीनियस इक्वेशन सिस्टम में क्या होता है कि इज़ इक्वल टू कोई नंबर आता है, ज़ीरो कभी नहीं आता, ज़ीरो कभी भी नहीं आता। ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन होमोजीनियस की, ठीक है, इसे थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद है लीनियर इक्वेशन। बेटा, अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है कि कोई भी इक्वेशन हमें गिवन हो उसके जो वेरिएबल हों, ये देखें वेरिएबल, वेरिएबल इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर को कहते हैं, जब वो मैथमेटिक्स में आ जाते हैं तो वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि इनकी जो पावर होती है वो मस्ट बी वन होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन उसे कहते हैं अगर वेरिएबल्स की पावर मस्ट बी वन है, वो लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं। अब इसके अंदर जितनी भी आपको इक्वेशंस नज़र आ रही है ना, उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर मस्ट बी अ वन है। मैं वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ, नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, इसकी डिग्री मस्ट बी अ वन होनी चाहिए, ठीक है, वो कहलाती है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं जी बेटा हम अपनी नॉन लीनियर पे। अब बेटा, नॉन लीनियर क्या होती हैं, ऐसी इक्वेशंस जिसकी डिग्री मोर देन वन हो, मतलब पॉजिटिव की वन ना हो, उसके अलावा कुछ भी हो, ठीक है, वन ना हो, अगर वन होगी तो वो लीनियर हो जाएगी, वन के अलावा कोई भी पावर आ जाए वो हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन है। ये तमाम के तमाम नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं क्योंकि इनकी डिग्री वन से बड़ी है या नेगेटिव वन है, वन नहीं है, तो ये हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।